सपना और मेरे चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू बथुए की सब्जी, तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बथुआ लिया है, इसे हमने साफ करके 2-3 पानी से धो लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू को धोकर छील कर काट लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसाला लिया है। 2 बड़े चम्मच लहसुन की कलियों को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच हमने ग्रेटेड अदरक लिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम नमक ले लेंगे। नमक मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार लिया है। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को लंबी शेप में कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च को भी हमने कट कर लिया है। दोस्तों बथुए की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए अब बारी है सबसे पहले बथुए को बॉईल करने की। तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बथुआ बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है और इसे बॉईल करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगे हैं। दोस्तों बच्चे अक्सर हरी सब्जी खाने के लिए मना कर देते हैं, तो यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से आलू बथुए की सब्जी बना ली तो बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे और 1 की जगह 2 रोटी खाई जाएंगे। तो ये देखिए हमारा बथुआ बॉईल हो गया है और अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरीके से बथुए की सब्जी बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है बथुए की। तो ये देखिए हमने छलनी में बथुआ ले लिया है और इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके बथुए को ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बथुआ ठंडा हो गया है, तो चलिए अब आ रही है इन्हें पीसने की। तो हम एक मिक्सी जार में इसे पीसेंगे। तो हम बथुए को जार में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने बथुए को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हम सबसे पहले कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल लेकर उसे गर्म कर लेंगे और इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे। दोस्तों आलू को फ्राई करने से इसमें क्रिस्पी बना आएगा और सब्जी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप भी जब भी आलू बथुए की सब्जी बनाएं तो आलू को फ्राई कर ही बनाएं। तो देखिए हमने सभी आलूओं को ऐड कर दिया है और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन पे क्रिस्पी बन आ गया है। इससे आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑयल में गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला चटकते ही हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। फिर देखिए हमारा लहसुन भी फ्राई हो गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मसाले को पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है और कितना बढ़िया कलर आया है हमारे मसाले में। तो चलिए अब बारी है हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और इन्हें भी हल्का से पका लेंगे। दोस्तों आलू हमारे फ्राई करने में ही पक गए हैं इसलिए हमें आलू पकाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारे मसाले से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए अब बारी है इसमें बथुआ ऐड करने की। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से आलू बथुए की सब्जी बनाई तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है और सब्जी का कितना बढ़िया कलर लग रहा है। तो दोस्तों देखते ही मुंह में पानी तो आ ही गया होगा और अब बारी है इसमें आलू ऐड करने की। तो अब हम इसमें आलू ऐड करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। दोस्तों आप इसे पराठे या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कितना बढ़िया कलर लग रहा है और सब्जी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने और पका लिया है इसे।
तो बस अब हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है और खुशबू तो इसमें से जबरदस्त आ रही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नई और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।